गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम योर असिस्टेंट टीचर ऑफ क्लास 8। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स विच इज नेशनल इंटीग्रेशन ऑन पेज नंबर 134। ओपन पेज नंबर 134। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसमें? वर्ल्ड में। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब यहाँ सबको सबका सब कुछ करने का अधिकार है, कोई किसी को रोका टोका नहीं जाता। इट्स कल्चर इज टर्म्ड एज द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया का कल्चर भी सबसे अच्छा था अगर हम पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री की बात करें तो। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वैरायटी एंड डाइवर्सिटी। इंडिया के पास काफ़ी तरीके की लैंड वैरायटी है और डाइवर्सिटी मतलब कल्चर हैं, कस्टम्स हैं। इंडिया हैज़ डाइवर्स ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल फीचर्स। इंडिया के पास काफ़ी ज्योग्राफिकल और कल्चरल फीचर है। ज्योग्राफिकल फीचर्स का क्या मतलब है इसमें हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफिकल फीचर्स का मतलब है इंडिया के पास अपना एक अपना क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन है, सॉइल है, और प्लेट्यूज भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, काफ़ी प्यारी प्यारी घूमने की जगहें हैं। और जो क्लाइमेट है इंडिया का वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, मतलब मौसम सुबह सुहावना हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, या कुछ कुछ जगहों पे सेम रहता है। तो वही इसमें बताया कि और हमें थॉर्नी बुशेस राजस्थान में देखने को मिल सकते हैं, और डेंस घने जंगल कहाँ देखने को मिल सकते हैं? आसाम में। इसका ये हैं सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स। कल्चरल फीचर्स क्या है कि इंडिया में काफ़ी रिलीजन है, काफ़ी कास्ट हैं, लैंग्वेजेस हैं, फूड आइटम्स अलग अलग हैं सारी जगहों के। बहुत से लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू एंड बंगाली आर द मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन। ये सारी लैंग्वेजेस नॉर्थ इंडिया में बोली जाती हैं। कौन सी? हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू एंड बंगाली। और साउथ में कौन सी बोली जाती हैं? तमिल, मलयालम, तेलुगु, उड़िया एंड कन्नड़ बोलते हैं वैसे से, ठीक है। तो और काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कल्चरल से, क्या मतलब काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है संस्कृत में, कालिदास ने अभिज्ञान और शकुंतलम लिखी हैं किसमें? तमिल वर्क्स में, लाइक कांबा रामायण। थिरुवल्लुवर ने थिरुकुल्लर ने अप्रिशिएटेड एंड एन्जॉयड बाई ऑल द रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें लिख बनाई हैं, एन्जॉय किया है उन सबको, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो इंडिया के पास है वो काफ़ी कल्चरल फैक्टर्स हैं, काफ़ी कल्चर है उसका। हिंदूज का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, सबका मज़ा आता है। नाउ इंडिया सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। अब इंडिया अपने अपने डिफरेंट फेस्टिवल्स, कुछ लोग दिवाली मनाते हैं, कुछ रमज़ान, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, ईद एट्सेट्रा। होली तो आया ही नहीं है इसमें, ठीक है, होली भी मनाते हैं। ये सारे हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। इंडिया में लोगों को कोई सा भी रिलीजियस अपनाने की छूट है, कि कोई कभी भी चाहे रिलीजन चेंज कर सकता है। सबकी अलग अलग फूड हैबिट्स हैं। जो राइस है वो स्टेपल फूड कहाँ है? साउथ में। और नॉर्थ में क्या है? वीट, गेहूँ, यहाँ रोटी ज़्यादा खाते हैं। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट साउथ, वहाँ चावल ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी और नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन को नॉर्मल भाषा में कहते हैं हम राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का क्या मतलब है? सब लोग एक साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स अ फीलिंग ऑफ ओ वननेस एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री वेयर ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कल्चर लिव टुगेदर पीसफुली। अभी मैंने जो हिंदी में बताया आपको वही यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है इस पैरा में, कि वो एक ऐसी फीलिंग है, अपनापन, वी कैन से अपनापन है, कि जो लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की कल्चर को रिस्पेक्ट देते हैं और एक साथ रहते हैं प्यार से, शांति से।
The national integration paved the way for the people to work together for the development of the country. National integration एक ऐसा वे है जहाँ people एक साथ, people मतलब लोग एक साथ काम करते हैं किसके लिए, development के लिए, country के। लड़ेंगे झड़ेंगे सब बर्बाद होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, country का development होगा। It also provides strength to fight against evil forces like communalism and terrorism. ये क्या प्रोवाइड करता है, एक साथ रहना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किससे लड़ने के लिए, कम्युनलिज्म, जैसे आतंकवादी वगैरह आते रहते हैं या फिर कुछ और गवर्नमेंट के, तो वो एक साथ रहते हैं जिससे उस चीज़ का सामना कर सके। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस द वंडरफुल एलिमेंट ऑफ यूनिटी बाइंड्स ऑल द पीपल टुगेदर। ये कल्चर्स के अलावा, ज्योग्राफिकल और कल्चरल डिफरेंसेस के अलावा, लोगों पे एक यूनिटी है, मतलब एकता है जो उन्हें एक साथ रखती है। ठीक है, नाउ इंडियाज यूनिटी इज द स्पेशल फीचर ऑफ द कल्चर। अब इंडिया की जो यूनिटी है, मतलब इंडिया की जो एकता है, वो किसके स्पेशल कल्चर है हमारा। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, कल्चर, यूनिटी मतलब एकता। द फीलिंग ऑफ यूनिटी डाइवर्सिटी इज नेम्ड एज नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। इसी को हमने क्या कह दिया दूसरे लैंग्वेज में, नेशनल इंटीग्रेशन, जहाँ पे कोई कास्ट के पीछे कोई कुछ नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, चाहे वो हिंदूस, पंजाबी, सिख्स, तमिलियंस, केरलाइट्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, कोई भी हो। और जो फीलिंग्स हम को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वी आर इंडियंस। तो ये जो हमारा इंडियंस जो वर्ड है, ये हमें सारी चीज़ें भुला देता है, भुलवा देता है, और क्या कहता है कि हम एकता में रहते हैं, प्यार से रहते हैं। ठीक है, सब एक साथ फेस्टिवल्स मनाते हैं, मुस्लिम्स के घर हम लोग ईद पे मिठाइयाँ देते हैं, वो हमें सेवइयाँ खिलाते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई ही होती है हर जगह, नहीं, प्यार से भी रहा जा सकता है। नाउ फैक्टर्स प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। अब फैक्टर्स जो किसको प्रमोट कर रहे हैं, नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीय एकता को, आर कस्टम्स, हैबिट्स एंड हेरिटेज। अब हम अपने कस्टम्स, हैबिट्स और हेरिटेज के बारे में बात करते हैं। इंडियाज हेरिटेज एडवोकेट्स हॉस्पिटलिटी, चैरिटी, फ्रेंडशिप, लव, अनसेल्फिशनेस, पीस, मर्सी एंड टॉलरेंस। हमारा इंडिया जो हेरिटेज है वो क्या बताता है, हॉस्पिटैलिटी मतलब किसी की सेवा करना, चैरिटी किसी को दान देना, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, लव प्यार, अनसेल्फिशनेस मतलब किसी के अपने बारे में ना सोच के सबके बारे में सोचना, पीस शांति, मर्सी किसी पर दया करना, और टॉलरेंस और बर्दाश्तहीन, ये सब क्या है, हमारे इंडियन हेरिटेज में है। इट हेल्प्स इंडियंस लिव इन यूनिटी फॉरगेटिंग ऑल द डिफरेंसेस। ये हमारे इंडिया को हेल्प करता है एक साथ रहने में और सारे डिफरेंसेस को भुला देता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। नाउ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाता है, नेशनल इंटीग्रेशन। आर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या ग्रांट्स करता है, मतलब क्या क्या देता है हमें, इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस, हमें सारी चीज़ें की इक्वलिटी, न्याय देता है, फ्रीडम देता है और इक्वलिटी देता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड रेस। जो कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं किसके लिए, लोगों के लिए जो उनकी कास्ट, उनके जेंडर, उनकी रिलीजन को बताते हैं, और उसमें ये है कि कोई किसी का आपने पढ़े होंगे, आई थिंक दे आर 6 or 7 फंडामेंटल राइट्स। ओके, प्रिविलेजेस आर गिवेन टू वीकर सेक्शंस लाइक शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। प्रिविलेजेस मतलब उनको एक्स्ट्रा दिया जाता है वीकर सेक्शंस, जैसे SC और ST सुना होगा आपने, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। The values of socialism and secularism have greatly helped the cause of national integration. Every Indian should work together to promote the above concepts. सब सारे इंडियंस को एक साथ एकजुट रहकर अपने ये जो नेशनल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, ये एक दूसरे को बताना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, वो भी एक साथ मिलकर। नेशनल फेस्टिवल्स काफ़ी होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, नेशनल इंटीग्रेशन डे एंड गांधी जयंती।
तो ये हर कोई पीपल सेलिब्रेट कर सकता है, इसमें कोई रिलीजन का नहीं है कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, बिकॉज दे आर नेशनल्स। और ये मोस्टली कहाँ सेलिब्रेट होते हैं? स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेस में। नाउ नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग्स तो आपको पता ही है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? करेज, साहस, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब लोगों का दान, जो जिन्होंने हमारी इंडिया को फ्रीडम दिलाई। ट्रूथ, सच्चाई, पीस, शांति एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, वी हैव इंस्पायर्ड बाय नेशनल एंथम। हमने नेशनल एंथम भी इंस्पायर, हमें इंस्पायर किया गया है। क्यों क्यों बता, क्या है उस नेशनल एंथम में? ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, कि इंडिया में क्या क्या हुआ। विच इज़ द नेशनल एंथम? जनगण मन। ठीक है, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इंड्यूसेस द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म मतलब जैसे वो सब लोग, जैसे आर्मी वगैरह। ठीक है, नाउ रीजनल इंटरडिपेंडेंस। वॉट इज रीजनल इंडिपेंडेंस? वी हैव डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट इन डिफरेंट स्टेट्स। हमारे पास अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, अलग अलग क्लाइमेट के और डिफरेंट स्टेट्स के। जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं वो कहाँ कहाँ से, स्टेट टू स्टेट भी अलग करते हैं। कुछ स्टेट्स किसी में, किसी की सॉइल किसी में अच्छी होती है, किसी की किसी में। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी नेशनल एक पोइट हैं रमन्ना टैगोर, इन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स लिखे हैं किसमें, तमिल लैंग्वेज में। किसके लिए? नेशनल इंटीग्रेशन पे। ठीक है, नाउ फीलिंग ऑफ वननेस। मतलब फीलिंग ऑफ वननेस कहाँ आया था? अपनापन। ठीक है, द फीलिंग दैट वी ऑल इंडियंस, दैट वी आर द सन्स ऑफ भारत एंड दैट ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर हेल्प अस टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। जो वो वाली फीलिंग जब हम कहते हैं वी आर इंडियंस, कि हम बच्चे हैं भारत के, या फिर सारे इंडियंस मेरे भाई और बहन हैं, तो इस ये क्या प्रमोट करता है? नेशनल इंटीग्रेशन। एक थॉट भी है, एक थॉट है ना, इंडिया ऑल ब्रदर्स एंड माय सिस्टर, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, जो हम स्कूल्स में आप लोग बोलते होंगे, यूनाइटेड वी लिव डिवाइडेड वी फॉल इज द स्पिरिट दैट सेफगार्ड्स द नेशनल इंटीग्रेशन। जिस एकता में हम रहते हैं और जिसमें हम एक साथ लड़ते हैं, उसको क्या स्पिरिट देता है? नेशनल इंटीग्रेशन की। नाउ फैक्टर्स डिस्टर्बिंग नेशनल इंटीग्रेशन। थ्रू वी टेक प्राइड इन नेशनल यूनिटी, वी स्टिल फेस वेरियस फैक्टर्स विच ब्लॉक्स द ग्रोथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। जब हम नेशनल यूनिटी को प्राइड, प्राउड का सेकेंड फॉर्म है प्राइड, ठीक है, तो हमें एक अच्छा साहस मिलता है जब हम कहते हैं कि हम क्या हैं? इंडियंस। ठीक है, कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म रिफर्स टू द सेल्फिश एग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ वन कम्युनिटी टुवर्ड्स अनदर। ये क्या है? एक सेल्फिश मतलब जो अपना ही बताता है कि मैं ही हूँ, वो एक कम्युनलिज्म कहलाता है। लिंग्विज्म क्या होता है? लिंग्विज मतलब जो बहुत सारी लैंग्वेज जो इंडिया में बोली आती हैं उनको लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं, जो अलग अलग लैंग्वेज में बोली जाती हैं। ठीक है, और जो हम अपनी मदर टंग को बहुत प्यार करते हैं। मदर टंग आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मातृभाषा, मतलब जो हम छोटे से सीखते हैं, हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, नाउ कास्टिज्म। कास्टिज्म मतलब कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्णा विच डिवाइड्स द, एक कास्ट सिस्टम है जिसको हमने वर्णा में डिवाइड कर दिया। उसके फोर ग्रुप्स हैं, विच इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याज एंड शूद्रास। ये चार कैटेगरीज हमने बना दी हैं किसकी? कास्टिज्म की। ये कास्टिज्म क्या करता है? ये हमारी डेमोक्रेसी को ख़राब करता है। और जो ग्रोथ है वो नेशनल इंटीग्रेशन, अगर कास्ट के वो जो एकता है, अगर कास्ट उसमें बीच में आ जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा, तो वही इसमें बताया है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।